प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में गर्भपात होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। शुरुआती दिनों में महिलाओं को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कुछ चीजें खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं ये कौन कौन सी चीज है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। नंबर एक, पपीता। दर्शक मित्रों, गर्भपात का कारण बनने वाली चीजों में सबसे पहला नाम पपीता का आता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भूलकर भी पपीता न खाइए। पपीता में पाया जाने वाला कुछ खास तरह का एंजाइम गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है और उससे गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर दो, बैंगन। फ्रेंड्स, बैंगन की गर्म प्रकृति की वजह से गर्भवती महिलाएं इससे दूर रहे। बैंगन का भरता एवं भरा हुआ बैंगन की सब्जी ज्यादा मात्रा में खाने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग बैंगन डाला हुआ मिक्स सब्जी खाते हैं, इससे अच्छा सावधानी के तौर पर गर्भावस्था के दौरान बैंगन ना खाए, वही अच्छा है। नंबर तीन, कटहल। फ्रेंड्स, कटहल यानी कि जैकफ्रूट देश के कई हिस्सों में पाया जाता है। कुछ लोग सब्जी के तौर पर तो कुछ लोग फ्रूट के तौर पर उपयोग करते हैं। जैकफ्रूट गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को दूध पिला रही स्त्रियां भी जैकफ्रूट का सेवन न करें। नंबर चार, मुलेठी। मुलेठी का उपयोग हम अलग अलग पदार्थों में करते हैं। मुलेठी आवाज को क्लियर और गला साफ करने में काफी हेल्पफुल औषधि है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन ना करें। मुलेठी का सेवन करने से गर्भाशय का संकुचन हो जाता है और कई बार समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है, इसीलिए गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन न करें। नंबर पाँच, सौंठ। सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का अदरक या सौंठ का उपयोग न करें। खास करके पहले 3 महीने सौंठ से दूरी बनाए रखें। इसकी गर्म तासीर होने से पहले 3 महीने में गर्भपात होने का खतरा बढ़ सकता है। नंबर छह, बिना धुली सब्जियां और फल। सब्जियां और फलों को उगाने में काफी सारे केमिकल्स और कीटनाशक का उपयोग होता है। सब्जियां एवं फलों को जल्द पकाने के लिए इंजेक्शन और जहरीली दवाओं का उपयोग होता है। बिना धोए खाने से ये जहर हमारे शरीर में जाता है, जो गर्भपात का कारण बन सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं बिना धुली सब्जियां कभी न खाए। नंबर सात, तिल। फ्रेंड्स, आमतौर पर तिल की गर्म तासीर की वजह से गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें। खास करके प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तिल एवं तिल से बनी चीजें ना खाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।